आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं द चीप वर्सेस एक्सपेंसिव बस। सबसे पहले हम एक सस्ते बस में जाएंगे जिसका टिकट होगा 50 रुपए का। उसके बाद मिडिल टियर पे जाएंगे जहाँ पे 1500 का टिकट होगा। और सबसे आखिर में वी आर गोना सिट इन पाकिस्तान मोस्ट लग्जूरियस बस। तो लेट्स गो। तो अब हम आ गए पहले बस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत बस है और अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे एक बंदे का टिकट होगा 50 रुपए का। भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफी। अब अंदर जाके बैठते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो हम बस के अंदर बैठ चुके हैं। इस वक्त टोटल बस में एक मैं हूँ, एक नोनो है और एक सीटें ठीक ठाक कंफर्टेबल है। ठीक है मैंने सुना है कि जो सबसे आखिरी बस जिस पे हम बैठने जा रहे हैं उसकी सीटें सीधी हो जाती हैं, आप लेट सकते हैं। हाँ, तो दैट्स कमिंग अप। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लेटने की भी बहुत जगह है अगर और मुसाफिर नहीं आए तो। कैसा लग रहा है? बस पे बैठे हुए हैं तो अपनी रेटिंग दो। यार देखो ये चीप है, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है जहाँ तक मुझे पता है पूरे इस्लामाबाद को ट्रैवल के लिए। ठीक है बिल्कुल, ठीक है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। बिल्कुल, इसलिए मैं इसको दूंगा 5.5 out of 10. चलो 6 out of 10। अब चलते हैं अगले बस की तरफ। तो अभी हम आए टिकट लेने, अभी जाके चेक करते हैं कि सीटें हैं भी अवेलेबल और प्राइस कितना। ऑलराइट, तो अब हमने टिकट सक्सेसफुली ले लिया। हमारी जो बस है वो जा रही है तकरीबन आधे घंटे में। हमें मिली है टिकट 1650 की। दिस इज द परफेक्ट मिडिल प्राइस पॉइंट। अली क्या लग रहा है, कैसा होगा? धूप भी आ रहा है, इतनी प्यारी बस। हमारा प्लान मजाक के अलावा आज सुबह बना है, बहुत स्पॉन्टेनियस था। हम तो कॉलेज के लिए फॉरन पहुंचे, बहुत अच्छी बस पे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि जो एक्सपेंसिव बस, दैट्स अमेजिंग। तो हम उसका वेट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए लेट्स गेट ऑन दैट। तो अब मेरे साथ आ गए उमर भाई। उमर भाई हमारे कप्तान है। सर जी बताएं क्या कैसा सफर होता है इस बस पे? बहुत लग्जरी गाड़ियाँ माशाल्लाह हमारी, बहुत ब्यूटीफुल हैं। अच्छा। सेफ एंड साउंड सफर करवाते हैं हम अपने। क्या बात, ये थैंक यू। ये वाली जो सीटें हैं ये हैं बिजनेस और ये थे 2150 के। ये सीटें जो आप देख रहे हैं बड़े मजे के हैं। यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगाए हुए आगे। इसमें हमजा मीर की ब्लॉग डाल सकते हैं। बेसिकली जो पीछे वाले सीट्स हैं दोनों पर 1650 और 500 रुपए आप ज्यादा देके आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से, लेदर की सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, मसाजर भी है। मसाजर है। अब जाके चेक करते हैं जो हमारे जो सस्ते वाले टिकट्स थे वो कैसे। यहाँ पे भी इन्होंने स्क्रीन लगाए हुए हैं, जगह थोड़ी सी कम है। और मसला ये है कि हम हैं 3 लोग और यहाँ पे 4 सीटें हैं, मतलब कि एक बंदे को किसी रैंडम बंदे के साथ बैठना पड़ेगा। तो अभी सफर को शुरू हुए तकरीबन 20 मिनट हुए और अभी अभी हमें मिला है पानी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सो रहा है। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। इस वक्त सिर्फ मैं जागा हुआ हूँ, ये भी सो रहा है और ये भी सो रहा है। अभी तक हमें सिर्फ पीने को 1 गिलास पानी मिला है और 1 गिलास स्प्राइट उन्होंने पी है। इस पूरे सफ़र में कोई खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं, ना बिस्किट ना चिप्स ना कुछ भी। तो ये एक छोटा सा मसला है यहाँ पे। लेकिन मुझे अभी बुलावा आया है कप्तान साहब से, तो अभी हम आगे जाके चेक करते हैं कि क्या हालात है बस के। और अब हम आ गए रेस्ट स्टॉप पे। हमारा सफर आधा हो चुका है। लेट मी गिव यू गाइस रिव्यू। अभी तक कोई खाना नहीं है बस पे। ये हमें खाने को कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 1 गिलास पानी दिया था और 1 गिलास स्प्राइट दिया था, इसीलिए हम अभी आए खाना लेने। ओवरऑल सफर अच्छा है अभी तक। तकरीबन 2-2.5 घंटे में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो टाइम वाइज हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। जान खाना बन गया है? रेडी? थैंक यू सो मच। मेरे साथ कोई करता है? तो अभी हम चल रहे थे रैंडमली और मुझे आवाज आई थी कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है हमारे पीछे। कोई ने पता है लाहौर आया तो इवेंट करना चाहिए। हम थोड़ा सा कुछ करेंगे और देखेंगे क्या ये लोग हमें निकालते हैं यहाँ से या नहीं। मोहसिन भाई कह रहे हैं कि हम इन चीजों को कार्ट के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन मैं अपने आप को कार्ट के अंदर रख सकता हूँ। मेरे छोटे छोटे मामा पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके नाम क्या है? रिदा। मुझे अभी रिदा मिली है और इस वक्त थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि मैं कार्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, लेकिन रिदा मेरे लिए भी ऑकवर्ड है। रिदा और इन्होंने कहा कि पहले ट्रॉली से निकले उसके बाद हमारी दुकान से निकले। आवाज देखो, आई थिंक इट्स टाइम टू गो, इससे पहले के सीन बैड हो जाए। Oh, oh, oh.
तो बॉयज ने मुझे अभी भी सरप्राइज किया विद द बर्थडे डिनर। स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन। द बॉय नेम इज हमजा। तूने मेरे ही हमजा करना। हैप्पी बर्थडे हमजा। साल में एक दफा आती है तो होगा। नहीं बात, साल में एक दफा आती है। उठा 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 उठा। Do you know you poke me in my? You poke me in my? बड़े मेरे दोस्त रहे जिंदगी में, लेकिन ये जो मेरे दोस्त है ना, ये जो मेरे साथ इस वक्त टेबल पे बैठे हुए हैं, ये मैं भाइयों की तरह के मानता हूँ। ये मक्खी लगाता है। वो लाइन बोल, अगर मेरा कोई भाई ना होता। हाँ, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा कोई भाई नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे दिए तीन भाई इन द फॉर्म ऑफ सुभान, नोनो एंड अली। रट गई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप वीडियो देखे, do it for the vlog, yes. आज मेरी बर्थडे है। आज मेरी बर्थडे है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now it's time to go to the most expensive bus in Pakistan. Let's go. और अब for the expensive bus ride हम वापस जा रहे हैं, फिर से 5 घंटे के सफर में। मैं उन्हीं कपड़ों में हूँ, फिर this is gonna be a very hectic vlog. लेकिन हम अभी भी आए क्यू कनेक्ट, भी हमने जाके टिकट खरीदनी है और चेक करते हैं कितनी की। अब हमारे पास टिकट आ गए हैं। हर टिकट की प्राइस थी 4,350, a little pricey, लेकिन let's see what we get. तो ये मेरे पीछे क्यू कनेक्ट की बस है और अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या सीन है। तो बस में अंदर आते साथ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सीटों में जगह बहुत है। आप लोग देख रहे हैं, ये पांव की जगह है। लेकिन सबसे जो मजे की बात है, जो मैंने आज तक किसी बस में नहीं देखी, वो ये है कि ये वॉशरूम है। मैं एक बस के अंदर हूँ जिसके अंदर वॉशरूम है, फ्रिज, जूस को पानी, माइक्रोवेव भी है। Wow. सिंह में पानी भी आता है। बस अभी देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक सफर शुरू नहीं हुआ। और मेन जो चीज हम चेक करना चाह रहे हैं वो है कि सफर कैसा है। भान इस व्लॉग में शिरकत तो नहीं कर सका, भान पहले से लाहौर में था, इसने हमें रिसीव किया था यहाँ से, और मैं अब छोड़ने जा रहा हूँ। फ्री फिल है कि नहीं पता नहीं। तो अभी भी हमारा सफर शुरू हुआ, उन्होंने हमें वेलकम किया है विद अ फ्रेश ग्लास ऑफ मैंगो जूस। तो बेसिकली ये हमारी जगह है, मैं और अली यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने ने कहा था वो अकेला वहाँ बैठेगा। गुड डिसीजन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सीट एंड लेट मी शो यू समथिंग कूल। आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ, और मैं आगे जाए जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे आते हैं तो ये मेरे पास जूस है। खैर ये ट्रे तो बहुत मजे का है, लेकिन मैं है? ये क्या है, हमजा अमीन यहाँ पे? सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन एडेड, सब्सक्राइब। मैं बसों से सब्सक्राइब कर रहा हूँ, आप लोग घर पे बैठ के क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? प्लीज सब्सक्राइब। तो अब मैं बस पे बैठ के अपने व्लॉग देखूंगा और लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अभी तो बहुत मजा आ रहा है। और मैं अली, ये क्या देख रहे हो? मैं अभी हमजा के व्लॉग्स देख रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ भाई, व्लॉग्स देखने का ना एक स्पेशल तरीका होता है। सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है, दरमियान तक देखनी है। एक तो व्लॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो स्किप 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 नहीं करना। हमजा अमीन और हमारे एक व्लॉग्स में एक एक सेकंड अच्छा होता है, एक सेकंड देखना है। ये लाइक बटन है, आपने लाइक दबाना है, और जिसने ये डिसलाइक दबाया तो पिछले क्लिप के बाद तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अभी भी हमें आया ये मेन्यू, और बेसिकली इसमें तकरीबन 20 से 30 ऑप्शंस हैं कि आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। और एवरी सिंगल आइटम इज 700 रुपीज। इसमें इनके पास पिज्ज़ास हैं, बर्गर्स हैं, स्टेक्स हैं। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्डर करेंगे पिज्ज़ा, लेकिन अब थोड़ी देर वेट करते हैं और चेक करते हैं वो कैसे। और अब 2 घंटों के सफर के बाद हम आ गए टू द रेस्ट स्टॉप। हमारा आ गया है खाना, एंड दिस इज द चिकन टिक्का पिज्जा दैट वी ऑर्डर्ड। हियर वी गो। ठीक है, दैट्स प्रीटी गुड। क्योंकि हम 10 मिनट के लिए रुके थे, तो आप लोगों को पता है कि मैंने अपने दूसरे घर जाना था, और वो है मैकडॉनल्ड्स। अब हम बैठ चुके हैं बहुत ही एक एक्सपेंसिव और लग्जूरियस बस पे। नो, जल्दी से अपना रिव्यू दो यार। अच्छी थी, ठीक है। आई हैवंट स्लेप्ट लाइक दैट किसी भी बस में। ये पूरा सफर सोता रहा, पूरा सफर मैंने कहा कि ब्रो, पूरा मैंने ख्वाबों में मैं सोया हूं। हाँ, लाहौर में। हाँ, और उठा इस्लाम। क्या रेटिंग आउट ऑफ 10? आई एम गोना गिव द बस अ सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। मुझे बस मैं कसम से कहता हूं, हां 5000 के लिए ना, इट्स अ बिट ओवर प्राइस, नॉट इवन गोना लाई। आई वुड गिव इट अ
7.5 out of 10. बस इतना ही है. अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.